वेलकम बैक टू द चैनल गाइस आज हम लोग बात करेंगे ब्रिक्स 2024 को लेके जो कि अभी रशिया में हो रहा है कजान में आज के डेट में नो डाउट दुनिया के सारे कंट्री के जो मीडिया हाउसेज है हर कोई अपने तरफ से कजान में अपने आग गिरा के बैठा है एग्जैक्टली exactly क्या भाई कजान में क्या हो रहा है ब्रिक्स में क्या हो रहा है मोदी जी क्या कर रहे हैं जिंगपिंग ने है, और इंडिया के बीच में क्या फिर से टाई अप हो रहा है या फिर पुतिन का नेक्स्ट स्टेप क्या है आगे जाके वेस्ट कैसे इसको ले लेकर तो बहुत सारा मेजर क्वेश्चन है या फिर बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर जो है वो हम लोग को ब्रिक्स में देखने को मिल रहा है और यही ब्रिक्स में जाने से पहले इंडिया ने अपने तरफ से तो बम फोड़ के गया है क्योंकि हम लोग देखें ब्रिक्स शुरू होने के एक बस कुछ दिन पहले ही यूएस और कनाडा के तरफ से डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेप लिया गया जिसमें हम लोग चाहते थे कि भाई इंडिया जो है इंडिया डर जाए इंडिया अपने तरफ से ब्रिक, ब्रिक्स में जाके एकदम चुपचाप बैठा रहा है इंडिया अपने तरफ से कोई एग्रीमेंट नहीं करे इंडिया अपने तरफ से ब्रिक्स में जो पार्टिसिपेशन है वो ऐसे ही बस हाँ हम लोग गए हैं आए हैं और जैसे कि एस में हम लोग को देखने को मिला मगर एस में तो फिर भी हम लोग को जयशंकर साहब अपनी तरफ से जो स्पीच दिया था वही पाकिस्तान को हिला दिया था और प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें यूएस भी यही चाहता था कि भाई इंडिया जो पार्टिसिपेट कर रहा है ब्रिक्स में मगर इंडिया और चाइना के बीच में जो प्रॉब्लम है वो लगा

कि भाई एल में कैसे हम लोग के जो जवान से वो पेट्रोलिंग करेगा वो एग्रीमेंट जो है वो वेस्ट के मुंह पे मार के गया है भाई वेस्ट को समझा जिम्मेदें आ गया कि भाई इंडिया बहुत पहले से ही चाइना से तो बात कर रहा था इन लोगों का जो प्रॉब्लम है ये बहुत पहले ही रिजोल्व हो गया था ये लोग तो ऐसे ही हम लोग को मतलब बुर्बक बना रहा था हम लोगों के लिए ये लोग ये सब जो बोल रहे थे भाई प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुआ अभी भी इतना परसेंट बाकी है ये सब जो है ये बेकार है अपने जब कनाडा ज्यादा कूदा ने अपने का जो, जो इशू है उसमें हम लोग ऑलरेडी एक एक एग्रीमेंट बना चुके हैं तो ये सब जो था ये सब ब्रिक्स से पहले हो रहा था अभी ब्रिक्स में जाके कोई भी उम्मीद नहीं किया था कि भाई इंडिया और चाइना के बीच में कोई बायोलेट्रल मीटिंग होगा ये हम लोग को पता था कि आगे जाके ब्रिक्स में हम लोग को एक ऐसा पिक्चर देखने को मिलेगा जिसमें पुतिन जो है वो जिंग जिनपिंग को और साथ ही साथ मोदी जी के साथ एक साथ फोटो खिंचवाएगा जिसका इंतजार पूरा दुनिया का जो मीडिया है वो हर कोई वेट कर रहा था स्पेशली वेस्ट और ये फोटो तो हम लोग को देखने को मिला डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीमेंट भी हुआ साथ ही साथ इंडिया डिफरेंट कंट्रीज के साथ अपने तरफ से मीटिंग की अब ये जो मीटिंग था ये मीटिंग को अगर हम लोग देखें इन सारे मीटिंग्स में सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट मीटिंग जो था वो था आपका चाइना के साथ चाइना के साथ इंडिया का बाइलेक्ट्रल मीटिंग हुआ जो कोई सोचा भी नहीं था और इस मीटिंग का ड्यूरेशन था राउंड अबाउट फिफ्टी मिनट्स के आसपास अब ये फिफ्टी मिनट्स में मोदी जी के साथ जिंकपिंग का बात हुआ जिस मीटिंग में ऑलरेडी हम लोगों के तरफ से हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है जयशंकर साहब मोदी जी के साथ ऑन द अदर साइड एन एस मतलब डोवल साहब भी इसमें मौजूद थे हर कोई बैठ के मीटिंग किया ऑन द अदर साइड चाइना के तरफ से भी हर कोई आया था तो सब के साथ मीट करने के बाद मोदी जी और जिनपिंग के तरफ से बोला गया कि भाई चलो हम लोग ये सारे एग्रीमेंट में साइन करते हैं और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बॉर्डर रिलेटेड एग्रीमेंट है इसमें बहुत सारे और भी एग्रीमेंट्स है जिसको जिसमें अगर आप देखें ट्रेड को लेके इकोनॉमिक कंडीशन को लेके आगे जाके चाइना के साथ इंडिया का क्या रिलेशन बनने वाला है ये सब को लेके बहुत सारे एग्रीमेंट बन गया है और द बेस्ट पार्ट इज दैट बोथ ऑफ द कंट्रीज के जो हेड है मतलब हमारे मोदी जी और जिनपिंग ने इस सब में एग्री किया है ऑन द अदर साइड आगे जाके ये जो साथ काम करने का जो सोच है ये अभी नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है नो no डाउट इसमें अगर देखा जाए पुतिन का ही हाथ सबसे ज्यादा है क्योंकि आज के डेट में अगर देखा जाए चाइना एक ऐसा कंट्री है जिसके पास बहुत सारे मेजर प्रॉब्लम है जैसे कि ताइवान को ले ले यूएस को ले ले इसके अलावा भी भाई बहुत सारे अपने इकोनॉमी को ले ले अगर चाइना का इकोनॉमी का ग्रोथ जो हम लोग लास्ट 10-15 साल में देखे उस लेवल पर ग्रोथ नहीं हो रहा है बैंकिंग सेक्टर में इशू है चाइना का इसके अलावा भी रियल एस्टेट सेक्टर में इशू है तो नो डाउट चाइना के पास अभी चाइना अगर इसमें ज्यादा कंसनट्रेट करता अगर कर, भाई इंडिया के साथ हम लोग जो एल को लेकर इशू है इसमें ज्यादा कंसन्ट्रेट करेंगे तो नो no डाउट सबसे बड़ा जो लॉस है वो चाइना का होगा क्योंकि इंडिया जो है इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अच्छी तरह से चल रहा है उसका इकोनॉमी हो सकता है कि चाइना के पीछे मगर इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा है कम्पेयर टू चाइना और आज के डेट में पुतिन को भी चाहिए था कि पुतिन का एक प्लान है एग्जैक्टली पुतिन का क्या प्लान है पुतिन चाहता है कि भाई जब भी हम लोग वेस्ट से भिरे वेस्ट हम लोग के सामने आके खड़ा हो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग ब्रिक्स को सामने रख दे और यही ब्रिक्स को कौन लीड करेगा उस, उस टाइम दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी जैसे कि चाइना या फिर इंडिया को ले ले और चाइना या इंडिया के बीच में अगर प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाता है तो नो डाउट इससे सबसे ज़्यादा जो फायदा है वो है आपका रशिया का और पुतिन ने यही सोचा था और पुतिन ने यह करके भी दिखाया पुतिन ने अपने तरफ से स्टेप लिया भले ही ये कोई ऑफिशियली कोई इसमें रशिया का इन्वॉल्वमेंट हम लोग को देखने को नहीं मिलता या फिर कोई भी कंट्री इसको बोलेगा नहीं मगर रशिया के वजह से ही आज के डेट में इंडिया चाइना के बीच में जो प्रॉब्लम था ये इस लेवल पर रिजोल्व है और हो सकता है कि इन फ्यूचर जाके हम लोग को देखने को मिले जैसे कि ये मोदी जी का थर्ड टर्म चल रहा है हो सकता है कि यही थर्ड टर्म में मोदी जी अपने तरफ से इंडियन लोग को फिर से एक गिफ्ट दे क्या भाई चाइना और इंडिया के बीच में एक इंटरनेशनल बॉर्डर जो एल है उसको हटा के एक इंटरनेशनल बॉर्डर और वही बॉर्डर को दोनों कंट्री फॉलो करेगा तो ये इन फ्यूचर का है ये हो सकता है ऑन द अदर साइड अगर आज के डेट में हम लोग देखें मोदी जी का जो सोच है रिगार्डिंग ट्रेड रिगार्डिंग इंडिया ग्रोथ रिगार्डिंग नेशनल इंटरेस्ट वही हम लोग को देखने को मिला ब्रिक्स में ऐसे नहीं कि मोदी जी बोल रहे हैं कि भाई हम लोग एंटी वेस्ट बन गए मोदी जी बोल रहे हैं कि भाई हम लोग को इंडिया के लिए जो चाहिए हम लोग वही स्टेप लिए जिसको देख के नो डाउट यूएस जो है वो काफ़ी परेशान है यूएस ने अपने तरफ से अभी कुछ बोला नहीं है कोई भी स्टेटमेंट इस तरह ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया जो हम लोग को अभी इंडिया के अगेंस्ट में देखने को मिले ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए अगर इंडिया और चाइना के बीच में ये जो प्रॉब्लम चल रहा था इतना पर लास्ट पांच साल से ये अगर चलता ही जाता तो नो डाउट सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो आपका पुतिन को होता क्योंकि पुतिन नहीं चाहता था ये प्रॉब्लम जो है ये आगे कंटिन्यू हो इसको रिजॉल्व करना क्योंकि पुतिन पता है अगर ब्रिक्स को और भी पावरफुल करना है जैसे कि हम लोग को पता है ब्रिक्स आज के डेट में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एक ऑर्गेनाइजेशन है रिजेंटली ब्रिक्स में नौ कंट्रीज है दस जो है आपको जुड़ने वाला है ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए बहुत सारे कंट्रीज ऐसा है दुनिया भर से जो ब्रिक्स के साथ जुड़ने वाला है ब्रिक्स का करेंसी को लेके भी बात चल रही है मगर अभी तक इस मीटिंग में इस बार के जो ब्रिक्स समिट हो रहा है इसमें अभी तक ब्रिक्स करेंसी को लेके कोई बात आगे नहीं आया मोदी जी अपने तरफ से अश्योरेंस दिया है कि भाई ब्रिक्स में अगर देखा जाए दुनिया में कुछ भी प्रॉब्लम होता है जो भी ज़रूरत है ऑब्वियसली इंडिया आगे जाके उसमें जो भी प्रॉब्लम है उसमें इंडिया अपने तरफ से पार्टिसिपेट करे यहाँ तक मोदी जी अपने तरफ से ये भी बोला है कि जो वार हो रहा है यूक्रेन में उस वार में अगर वो वार को रोकना है उस वार को रोकने के लिए अगर इंडिया के तरफ से कुछ किया जा सकता है तो ऑब्वियसली इंडिया आगे जा वो स्टेप भी लेगा और होपफुली आगे जाके ये हम लोग को देखने को मिल सकता है मगर एक मेजर फैक्टर है इसके बीच में ये मेजर फैक्टर है यूएस इलेक्शन यूएस इलेक्शन में कौन जीतेगा उसके बाद दिप, मतलब डिपेंड करता है कि ये जो वार है ये आगे खींचने वाला है या नहीं अगर ट्रम्प जीत जाता है जैसे कि हम लोग को प्रेजेंटली पता है कि ट्रम्प कुछ पॉइंट से आगे है कमला हैरिस से पहले कमला हैरिस आगे चल रही थी अभी ट्रम्प थोड़ा सा आगे चल गए हैं आगे जाके यू इलेक्शन का जैसे रिजल्ट आएगा उसके बाद पता चलेगा अगर ट्रम्प जीत जाता है तो ये जो वार है यूक्रेन और रशिया के बीच में ये अगर और भी खींचने वाला नहीं है अगर कमला हैरिस जीत जाता है तो एट दट पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है कि ये वार और भी ज़्यादा खींचेगा एट दैट पॉइंट टाइम इंडिया का जरूरत पड़े इंडिया अपने तरफ से आगे जाकर पार्टीसिपेट करके भाई दोनों कंट्री के बीच में कोई भी एक एग्रीमेंट करे या फिर जो भी प्रॉब्लम है उसको रिजोल्व करने का कोशिश करे तो नो डाउट्स ए पार्ट ऑफ ए डिफरेंट प्रोसेस और प्रेजेंटली अगर हम लोग देखा जाए यूएस के ऊपर सबसे बड़ा जो प्रेशर है वो है जी सेवन को लेकर जो टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव में होने वाला है वो भी कैनेडा में जैसे कि हम लोग को पता है कैनेडा अगर इंडिया का प्रेजेंटली जो रिलेशन है अगर जी सेवन में इंडिया को फिर से इन्विटेशन आता है क्योंकि हर साल हम लोग देखते हैं कि जी सेवन में इंडिया को एक स्पेशल इनविटेशन आता है इंडिया जी सेवन का मेंबर नहीं है मगर जी सेवन में इनविटेशन आता है तो अगर जी सेवन में फिर से इनविटेशन आता है तो वो कनाडा में होता है तो हो सकता है कि इंडिया अपने तरफ से जाने में इनकार कर दे कि भाई कनाडा के जो पब्लिक है वो ऐसे हम लोग को ट्रीट करता है ये सब करता है जस्टिन ट्रूडो ने जो किया करा है एक्जैक्टली जस्टिन ट्रूडो का हालत भी बहुत ख़राब है उसका अपना पार्टीज के जो एम पीज़ है वो लोग अपने तरफ से जस्टिन टूडो के अगेंस्ट में स्टैंड ले लिया है वो लोगों का कहना है कि भाई ये एक ऐसा इंसान है जिसके वजह से इंडिया और कनाडा का जो रिलेशन है वो खराब करते जा रहा है तो आगे जाके इंडिया अगर बोल दे कि भाई हम लोग जी सेवन में नहीं जाएंगे तो ये वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम होगा आगे जाके दुनिया के जो बड़े इकोनॉमी है यूएस को छोड़ के जैसे कि अगर हम लोग चाइना को ले लें इंडिया को ले लें वो लोग लो अगर जी में पार्टिसिपेट नहीं करते तो नो डाउट जी को सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा ऑन द अदर साइड ब्रिक्स को ज्यादा सक्सेसफुल माना जाएगा तो अभी भी हम लोग को ब्रिक्स में इस बार और भी कुछ देखने को मिलेगा पुतिन का एक प्लान जो है वो तो सक्सेसफुल हो गया कि भाई इंडिया चाइना को एक साथ लाभ दिया दोनों का जो प्रॉब्लम था वो रिजोल्व कर दिया ऑन द अदर साइड वेस्ट को एक क्लीन एंड क्लियर मैसेज भेज दिया कि भाई अगर आप हम लोग के खिलाफ खड़ा होना चाहते हो तो आप ब्रिक्स से आपको लड़ना पड़ेगा हो सकता है कि आगे जाके हम लोग को देखना पड़े कि ब्रिक्स वर्सेस नैटो या फिर ब्रिक्स वर्सेस वेस्ट पहले जो हम लोग देख सके रशिया बरसे यूएस ये थोड़ा सा चेंज हो रहा है ऑन द अदर साइड इंडिया के तरफ से अगर देखा जाए इंडिया ने अपने तरफ से ब्रिक्स में पार्टिसिपेट किया सारा कुछ जो एग्रीमेंट था सब कुछ किया मगर इंडिया ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं बोला कि इंडिया वेस्ट के अगेंस्ट में है ऑन द अदर साइड इंडिया के मोदी जी अपनी तरफ से हमेशा बोला है कि भाई अगर यूक्रेन वार में यूक्रेन वार को स्टॉप करने के लिए कुछ कर सकते हैं इंडिया तो ऑब्वियसली इंडिया वो आगे जाके पार्टिसिपेट करे इस बार भी पुतिन को मोदी जी ने ये कहा है इसके अलावा भी आप बोल सकते हैं कि भाई चाइना के साथ इंडिया का जो एग्रीमेंट हुआ आप क्या सोचते हैं इसके बाद चाइना सुधर जाएगा चाइना कभी नहीं सुधरेगा ये सबको पता है मगर प्रेजेंटली आने वाले चार पांच साल में चाइना इंडिया के साथ जो प्रॉब्लम है इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा क्योंकि अगर चाइना इसमें इंगेज हो जाता है तो चाइना का जो मेजर इशू है जैसे कि वर्सेज चाइना वर्सेज यूएस चाइना वर्सेज ताइवान ये सब प्रॉब्लम में चाइना और भी ज्यादा घिर जाएगा साथ ही साथ इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो तो चाइना को अंदर से खा रहा है उसमें और भी मेजर प्रॉब्लम होगा इसलिए चाइना नहीं चाहेगा कि भाई ये प्रॉब्लम को फिर से आगे जाके उंगली करना चाइना अपने तरफ से चुपचाप बैठेगा कि भाई इंडिया के साथ कुछ नहीं लड़ना ये तो हम लोग के साथ चलो एक एल का इश्यू है ये अभी एग्रीमेंट हो गया अभी ठंडा है इसको ठंडा रहने दो तो। दूसरा जो काम है हम लोग उसमें निपटते हैं ऑन द अदर साइड रशिया का भी प्रेशर रहेगा कि भाई कुछ भी करो ब्रिक्स में इतना सब कुछ हुआ सबके सामने आप जाके फिर से इंडिया के साथ मन फिरो इंडिया को शांत रहने दो तो आप भी शांत रहो तो ये जो कॉन्सेप्ट है अगर देखा जाए आज के डेट में ये जो जियोपॉलिटिकल ऑर्डर है ये धीरे 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 अलग जगह से चेंज हो रहा है ऑन द अदर साइड अभी पहले जैसे हम लोग को देखने को मिलता है एक या दो कंट्री के पास सबसे ज्यादा पावर रहता है बाकी जो कंट्री वो लोग बहुत पीछे चल रहे थे अभी ऐसा नहीं हुआ अभी पावर जो है वो डिवाइड हो रहा है डिफरेंट लोकेशन में थोड़ा 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 करके डिवाइड हो रहा है हर कंट्री अपने तरफ से डिफरेंट टाइप ऑफ कोशिश करे या फिर हर कंट्री का अगर कंट्रीब्यूशन देखे तो अलग अलग लेवल पे आ रहा है जैसे कि अगर हम लोग सेमी कंडक्टर को ही पकड़ ले तो कुछ कंट्री बहुत आगे चल गया है इंडिया अपने तरफ से स्टार्ट किया है सेमी कंडक्टर का बात मैं इसलिए कर रहा हूँ एक और न्यूज प्रेजेंटली हम लोग को सामने देखने को मिला जिसमें एनवीडिया जो कि वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर मेकर है वो अपने तरफ से इंडियन गवर्नमेंट को अप्रोच किया है कि भाई हम लोग आपके साथ मिलकर आगे जाकर सेमी प्रोडक्शन करेंगे तो ये इंडिया के लिए एक खुशखबरी है अलग टॉपिक है अगर आप चाहते तो इसमें भी एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा इसके अलावा जैसे हम लोग को पता है कि ब्रिक्स में एक और दिन बाकी है तो बहुत सारा डेवलपमेंट हम लोग को और भी देखने को मिल जाएगा और इस डेवलपमेंट में हो सकता है कि यूएस को उतना खुशी नहीं मिले मगर आपको खुशी मिलेगा क्योंकि ये जो डेवलपमेंट है ये इंडिया के बेटरमेंट के लिए है तो होपफफुल ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज पॉल ए ए टी स्पेस पी एल में जाकर सब्सक्राइब कीजिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक बहुत सारे वीडियो है बहुत मेहनत करता हूँ भाई वीडियो बनाने के लिए दिन में दो तीन वीडियो के शूट भी कर लेता हूँ आप लोगों के लिए लाता वीडियो एटलीस्ट आप जब देख रहे हैं तो सब्सक्राइब तो कर दीजिए सब्सक्राइब जब कर रहे हैं तो बेल आइकन में क्लिक कर दीजिएगा क्योंकि वीडियोस डिफरेंट टाइम में आते हैं जब भी आएगा आपके पास थोड़ा नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा अगर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए तो आप इंस्टेलो वीडियो देख पाएंगे होपफुल ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा और वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद